आज की गुड मॉर्निंग हो रही है फ्लैश लाइट के साथ में, क्योंकि आज लाइट नहीं है। शाम को यहाँ पानी भी गिरा, लाइट नहीं थी, थोड़ी पहले ही लाइट चली गई थी, तो मैं क्या सो गया था क्योंकि कुछ काम नहीं था मेरा, ना लिखने का। फोन जरूर चला सकता था बट नींद आ रही थी तो मैं सो गया। फिर मेरे सोने के बाद में यहाँ पानी भी गिरा था पूरा, अभी नीचे गीला है। और सुबह उठा तो लाइट थी, मैंने सुबह जब फोन थोड़ी देर चार्ज किया के बाद लाइट अब जा चुकी है। मम्मी जी अभी अंधेरे में ही मेरा लंच तैयार कर रहे हैं, मतलब मोबाइल की टॉर्च में लाइट नहीं है तो अभी अंधेरा है। आज रोज तो इस टाइम तक पूरी रोशनी हो जाती थी, उजाला हो जाता था, आज वो भी नहीं हुआ। रेडी तो फिर भी हो गया मैं, अभी भी एक फोन से फ्लैश जल रही है। अब बैग वगैरह तो मैंने ओपन ही नहीं किया तो उसे जमाने की जरूरत है नहीं। मैं खुद थोड़ा सा अपना हुलिया बदल लेता हूँ ताकि मुझे कॉलेज में अंदर एंट्री मिले। दादाजी भी उठाए हैं और एक ये सर सोए हुए हैं अभी, इतना टाइम हो गया 5:32। मम्मी जी एक स्पेशल सब्जी बना रहे हैं कच्चे आमों की। अब हल्की सी लाइटिंग हो गई है और मैं खड़ा हूँ एक नया गेट का जो निर्माण हुआ है ना कल वहां पे। बैक कैमरे से तो अच्छी खासी लाइटिंग लग रही है, फ्रंट में दिक्कत हो जाती है। देखो पूरे गड्ढे हो चुके हैं, कल थोड़ा वर्क भी हुआ वहाँ पे जो रखा हुआ है काम किया हुआ, और आज शायद और भी चेंजेस हो जाएंगे, मैं आऊँगा तब तक। अब लाइट आ चुकी है, अभी जस्ट आई है, और मैंने शाम को खाना नहीं खाया था, बहुत ज़्यादा जल्दी सो गया था तो अभी भूख लग रही थी। टिफिन के लिए जो तैयार हुआ था उसी को एज अ ब्रेकफास्ट खा लेते हैं, थोड़ा सा केरी की सब्जी। जिस किसी ने भी कभी केरी की सब्जी खाई होगी ना उसे पता होगा कि ये कितनी टेस्टी होती है। ये देखो चैम को, गोल गोल रानी, और ये धड़ाम। आज फिर हमने कॉलेज बस को रोककर 5 मिनट का ब्रेक लिया था और यहाँ पर एक बहुत अच्छा मंदिर था। मेरे पास में स्मार्ट वॉच है, स्मार्ट वॉच देख रहे हो, सेंसर्स लगे हुए हैं इसमें, सेंसर्स। ये वॉच मेरे फ्रेंड की है, मैंने उसे थोड़ी देर के लिए शो ऑफ करने के लिए ली। मैं जस्ट अभी कॉलेज से घर पे आया हूँ और इसे तो आप जानते ही होंगे, एक बार और आ चुका है घर पे। इसका नाम है, क्या नाम है तेरा, नाम बता, नाम बता, नाम शिवा। थोड़ा और ज्यादा काम हो गया आज यहाँ पर, आयरन के जो स्ट्रक्चर्स थे ना उनकी क्वांटिटी बढ़ गई। आप में से कोई अंगूर खाने में इंटरेस्टेड है क्या, इनसे मिलिए, ये है हमारी परी। जैसे टॉयज नहीं होते उनका स्विच ऑन करते ही वो स्टार्ट हो जाते हैं, वैसे ही मैं जैसे ही इसे टच करता हूँ ये रोना स्टार्ट कर देती है। मैं सोच रहा था कि आज ये मेरे पास में क्यों आ रहा है, इसको क्या हुआ, इसके पैर में चोट लगी है कि लड़ाई हो गई शायद बाहर। मैं सुबह कॉलेज निकल जाता हूँ सिंपल सा लंच लेकर, वो घर पे देखो कितना अच्छा मेन्यू रहता है। देखो यार दाल चावल पूरी हलवा सब्जी इतने सारे साथ में एक्स्ट्रा चीजें। सैदीप भी मेरे साथ खाना खा रहा है, वो भी उसकी प्लेट रेडी कर रहा है, फिर हम दोनों भाई खाना खा लेंगे। इसके बाद देखते हैं खेत तरफ घूमने चलना हुआ तो वहाँ चलेंगे चैम को लेकर, लेकिन यार आज उसके पैर पर चोट लगी हुई है फिर भी वो घूम फिर तो बढ़िया रहा है, उसको वहाँ पर मैं दवाई भी लगा दूंगा। और कल एमकेट का एग्जाम है, थोड़ी बहुत उसके टॉपिक्स रिवाइज करना है, थोड़े असाइनमेंट्स कल सबमिट होंगे वो कंप्लीट करने हैं, आज का नहीं कल का वीडियो एडिट करना है, ऐसे थोड़े काम है। देखो लाइट
कभी भी चली जाती, कोई टाइम नहीं रहा, दिन में भी वो रात में भी चली जाती है, सुबह भी नहीं रहती है। साइड में इन्वर्टर है तो वहाँ पे जल रहा है एक लाइट। सहदीप और मम्मी जी हमारा कल का ब्लॉग देख रहे थे जो मैंने अपलोड किया, और मम्मी जी साथ में एक काम भी कर रहे थे, ये बत्तियाँ, आरती पूजन भगवान के लिए बत्ती बनाई। और इन बत्तियों को बनाने के लिए इस मिल्क की जरूरत पड़ती है, सोचो ईस्ट की जरूरत क्यों पड़ती होगी उसको वाइट कलर देने के लिए। टाइम हो रहा है अभी करेक्ट 8, और मैं सोच रहा हूँ लाइट वगैरह है नहीं तो लिखने का कोई कुछ काम होगा नहीं, लिखने का भी पढ़ने का भी, तो हम चलते हैं थोड़ा सा रनिंग पर। फोन में सैदीप को थोड़ा वीडियो एडिटिंग से रिलेटेड काम है, इसलिए मैं फोन लेकर नहीं जा रहा हूँ, मैं विदाउट फोन जा रहा हूँ। टाइम हो रहा है अब 8:10, मैं 10 मिनट में रनिंग पे से वापस भी आ गया, क्योंकि फ़ोन घर पे ही था ना तो मेरे पास कोई लाइट भी नहीं था, थोड़ा आगे गया मैं, अंधेरा जैसे ही ज़्यादा हुआ मुझे डर लगने लगा था तो मैं भाग आया, अकेला तो था ही मैं, गेम भी नहीं था साथ में, और देखो खुले में सोने का अलग ही मज़ा है, लाइट वगैरह है नहीं तो मैं बाहर सोया हुआ हूँ अभी, तो अगर लाइट आ जाएगी तो थोड़ा रिटर्न वर्क कम्प्लीट कर लेंगे और एडिटिंग तो सैदीप कर ही रहा है। गाइस जैसे कि मैं शाम को जल्दी सो गया था ना, तो अभी टाइम हो रहा है 2:15 और एकदम से पानी आने लगा। सो ही गाइस फाइनली इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, तो देखो एडिट करते करते टाइम कितना हो गया, इस पर फोकस करेगा ये 1:45। अगर लास्ट तक बने ही रहे हो हमारे साथ में तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में तब।